नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PGT यानी प्रवक्ता पद की जो रिक्तियां 29 अक्टूबर 2020 को आई हैं उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। लाइन से हम जो भी उन्होंने विज्ञापन निकाला है उसका PDF देखते हुए चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि क्या और कैसे करना है। अगर ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन आपका 29 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर 2020 रखी गई है। शुल्क जमा कर भी आप 27 नवंबर 2020 तक कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन जो आपके फॉर्म का होगा यानी कि ऑनलाइन आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो 2595 रिक्तियां हैं जो पिछली रिक्तियों के सापेक्ष कुछ अधिक हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि अच्छे से अध्ययन करके ही आप फॉर्म सबमिट करिएगा। आवेदन आपको कहाँ करना है वो उन्होंने बताया है कि जो चयन बोर्ड की वेबसाइट है उससे ऑनलाइन आवेदन ही करना है। अन्य किसी माध्यम से आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। उन्होंने कहा है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। ठीक है, एक पद के सापेक्ष आपको एक ही आवेदन करना है, एक से अधिक नहीं करना है। अगर आपको अलग अलग विषय से प्रवक्ता पद की परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। ठीक है, भाषा तो आपको पता है, हिंदी में हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में और उर्दू का उर्दू में। ठीक है, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। यदि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हों, यानी कि आपकी आवेदन जिस दिन आप आवेदन करेंगे, जिस दिन भी आप आवेदन करेंगे उस तिथि तक यदि आप पात्रता शर्तों की सभी जो पात्रता की सभी शर्तें या अर्हताएं उनको पूरी करते हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आपका अगर आवेदन उसके विपरीत पाया जाता है मानदंडों के तो बाद में आपका आवेदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जहां पे भी आपकी गलती पकड़ ली जाएगी। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 10% का 36 आरक्षण है, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं यानी EWS। इसके अंतर्गत वो लोग आएंगे जिनके पूरे परिवार की जो आय होगी वो 8 लाख रुपए से कम होगी, 8 लाख रुपए वार्षिक। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है। उसके अलावा ये तदर्थ शिक्षकों के बारे में है। सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश शासन के संबंध में जो भी आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसके तहत तदर्थ शिक्षकों को जो भी वेटेज है वो पैरा 10 के अनुसार दिया जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगी अभी आगे कि उनको किस तरह का वेटेज दिया जाएगा और उससे आपको क्या फायदा नुकसान है। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों की जो सेवा गणना होगी वो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से उनको राजकीय कोषागार यानी ट्रेजेडी से सैलरी का भुगतान किया गया। उसके पहले यदि उन्होंने सेवाएं दी हैं तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी से पूर्ण आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, मैं बता चुकी हूँ। और कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं प्रेषित करनी है, नहीं भेजनी है, मात्र ऑनलाइन आवेदन ही करना है। ठीक है, एक बार आवेदन हो गया तो कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। लिखित परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंकन नहीं है। किसी भी तरह के आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पेपर में नहीं ले जा सकते हैं और किसी भी तरह के गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा अभ्यर्थी निरस्त होगा और अनुशासनात्मक
कार्यवाही होगी। उसके अलावा यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, इन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये दिया गया है सारा कुछ यहाँ पर। एक बात बहुत विशेष आपको ध्यान रखनी है, जो फोटो लगानी है इस बार उसका इन्होंने बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया दिया है, आपको वैसे ही फोटो नहीं खिंचवा के लगानी है, ठीक है। और आपको जो शुल्क भुगतान करना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या SBI ई बैंकिंग के ई चालान के माध्यम से ही करनी है, ठीक। और अब अगर शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 700 रुपये है, EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 600 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, 50 रुपये सभी को ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना है। उसके अलावा अगर विकलांग की बात की जाए, विकलांग और को वो जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी का आधा शुल्क भुगतान करना है। मान लीजिए कोई विकलांग हैं वो अनारक्षित श्रेणी से हैं तो उनको 350 रुपये यानी 750 रुपये का आधा भुगतान करना है। इसी तरह से EWS के विकलांग अभ्यर्थियों को 300 रुपये, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विकलांग अभ्यर्थियों को 350 रुपये, अनुसूचित जाति के 200 और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 100 रुपये भुगतान करना होगा। 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया सबके जो शुल्क है वो सभी को देना है। और भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये जो 1 से 5 तक मैंने अभी शुल्क बताया है यानी उतना ही शुल्क देना है अपनी अपनी कैटेगरी का, ठीक है। हाँ, ये आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा फोटो का। फोटो का आकार 35 मिलीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। फोटो का मेल के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची ना हो, चेहरा छोटा ना हो, छवि स्पष्ट हो, उस पर किसी भी तरह की चमक या छाया ना हो। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो रंगीन लेंस नहीं होने चाहिए। फोटो में कान के दोनों सिरे दिखें। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, अर्थात आँखें आपकी खुली और मुँह बंद, ठीक है। नज़र कैमरे पे होनी चाहिए और जो फोटो की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड हो वो हल्के सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए। फोटो के लिए इनको आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको सत्यता अपनी घोषणा करते हुए भर देना है, सबमिट कर देना है अपना आवेदन पत्र। रिक्तियाँ मैंने बताया 2295। अभी मैं आपको पद सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ, विषयवार। आयु सीमा न्यूनतम बताई गई है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो, है ना, न्यूनतम बताई गई है। अगर प्रवक्ता पद के वेतनमान की बात करी जाए तो इसका 4800 ग्रेड पे है, ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग के लिए 47600 से 151100 रुपये पे लेवल जो होगा आपका 8 होगा, ग्रेड पे 4800 होगी, ठीक। EWS यानी आर्थिक वर्ग से जो पिछड़े लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। और अभी तक जो भी देखा गया है पेपर जितने भी हुए हैं उसमें इनकी कट ऑफ कम ही जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे इनकी सीटें सुनिश्चित नहीं की गई हैं कि कितनी सीटें हैं और वो कहाँ से ली जाएंगी, जनरल अभ्यर्थियों की सीट से या अन्य वर्गों के, इस तरह का कुछ भी मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है। चलिए, आर्यता तिथि की बात की जाए तो आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो भी तिथि पे आप आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं वही आपकी आर्यता की अंतिम तिथि मानी जाएगी। और शैक्षिक योग्यता अभी विषयवार दी गई है। अगर आपको हाँ, PGT में साक्षात्कार होगा, ठीक है। प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंक और विशेष योग्यता यानी वेटेज तीनों को मिलाकर आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा का आधार 85% अंक होंगे। साक्षात्कार
के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित होंगे। इस चीज को देख लीजिएगा, ये अभी तो आपको नहीं समझ आ रही है, ये जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसकी तैयारी में ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान आपका देखा जाएगा, उसका सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको उस में से 4% अंक उसके लिए निर्धारित हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के लिए 3% अंक। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें वेटेज की तो डॉक्टरेट की उपाधि के लिए 2% अंक, और शिक्षा परास्नातक यानी एमएड किया है तो 2% अंक, यानी कि 10-10 नंबर हैं यहाँ पे। और बीएड की बात की जाए तो 1% अंक, यानी आप 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य टीम के माध्यम से अगर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं आप तो 5 नंबर यानी 1% अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा 425 अंकों की होगी, साक्षात्कार 50 अंक के होंगे, और विशेष योग्यता के अंक आपको अधिकतम 25 मिलेंगे, तो आपके जो कुल पूर्णांक होगा वो 500 अंकों का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में 125 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 3.4 अंक होगा, एक प्रश्न के लिए आपको 3.4 अंक दिया जाएगा। लेकिन तदर्थ प्रवक्ताओं को जो पूर्णांक होगा वो 390 अंकों का होगा, और उनको एक प्रश्न के लिए 3.12 अंक दे दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज है, 1 वर्ष की सेवा देने पर उन्हें 1.75 अंक का वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 35 अंक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उनकी लिखित परीक्षा का पूर्णांक 390 अंक होगा, क्योंकि उन्हें 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं के द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जल्दी से रिक्तियां देख लेते हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बालक और बालिका दोनों वर्ग के लिए डाल सकती हैं, लेकिन एक वर्ग का चयन उनके लिए अनिवार्य होगा। नवीनतम फोटो ही लगानी है आपको, और किसी भी विवाद की स्थिति में आपको प्रत्यावेदन देना होगा। परीक्षा की तिथि सूचना यथासमय आपको दे दी जाएगी। ये आपकी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, हाई स्कूल से ही आपकी तिथि निर्धारण होती है, आप सभी जानते हैं, और अंतिम समय पे आपको सभी अपने जो आपने आवेदन के टाइम पे अर्हताएं लगाई उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। और अभ्यर्थी के अर्य होने के संबंध में जो भी बोर्ड निर्णय करेगा उसी को अंतिम माना जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का। जिसे भी प्रमाण पत्र बनवाना है, विकलांग है, अनारक्षित आरक्षित वर्ग है, उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, एक बार आप ये यहाँ से देखकर इसी फॉर्मेट पे बनवाएंगे। रिक्तियों की बात की जाए तो हिंदी में 363 रिक्तियाँ हैं, जिसमें 213 हैं सामान्य वर्ग की, 90 OBC की, 58 है SC की, 2 ST की। ठीक है, गणित की 65 हैं सामान्य वर्ग की, 22 OBC की, 11 SC की, 0 ST की हैं, 98 सीट हैं। गृह विज्ञान में 1 सामान्य वर्ग की है, 1 OBC की है, टोटल 2 रिक्तियां हैं। अर्थशास्त्र में 74 यानी 74 सामान्य वर्ग के लिए, 47 OBC के लिए है, 21 ST के लिए है, और SC के लिए सॉरी, और 1 पद है ST के लिए। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं संस्कृत के लिए 147 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, 46 OBC के लिए हैं, 38 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, टोटल 232 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या की बात की जाए तो इंग्लिश में टोटल 269 पद हैं और संस्कृत में 263 पद हैं। इन्हीं विषयों में पद सर्वाधिक हैं। और ये थी बालक वर्ग की। बालिका वर्ग में अगर बात की जाए तो हिंदी के कुल 47 पद हैं, जिसमें 24 सामान्य के हैं यानी अनारक्षित के, 12 OBC के, 11 SC के और 0 पद ST के लिए हैं। और ये आपकी योग्यताएं हैं। योग्यता एक बार आप देख लीजिएगा। MA हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में MA के साथ आपके पास आपका हिंदी से MA होना चाहिए, संस्कृत के साथ आपका BA
हो या फिर शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज से, बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर प्रशिक्षण योग्यता की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2075 के पूर्व हाईस्कूल कक्षाओं में अध्यापन हेतु तत्समय जो प्रचलित नियम थे उनके हिसाब से अध्यापकों के लिए, यदि वे निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिंदी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से BA उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं माना जाएगा, यदि वो 1975 के पूर्व जो अर्हताएं थी वो रखते हैं। हिंदी में MA के साथ साथ संस्कृत विषयों में से स्नातकोत्तर यानी MA परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद सीधे नियुक्त अथवा प्रोन्नति के लिए BA में संस्कृत विषय से अनिवार्यता की मुक्ति रहेगी। यानी अगर आप हिंदी से प्रवक्ता पद भरना चाहते हैं, आपने BA संस्कृत से नहीं किया लेकिन आपने MA किया है, तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा BEd, MEd और PhD के लिए जो भी वेटेज है, वो BEd तो वेटेज है वो आपको बता दिया है इसके पहले ही, ये अधिमानी अर्हताएं हैं। गणित में MSc चाहिए और MA MSc चाहिए गणित से, या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये मान के चलिए सभी विषयों में परास्नातक आपका होना चाहिए यदि आपको प्रवक्ता पद के लिए भरना है, ठीक है। उसके अलावा एक बार आप इसका विज्ञप्ति का अवलोकन कर लीजिएगा, और कुछ ना समझ आने की दशा में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। रिक्तियाँ ठीक ठाक हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए तैयारी में लग जाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जल्दी से फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। यदि मेरी किसी तरह की आपको सहायता की ज़रूरत हो तो बिल्कुल निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे सूचित करिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, समस्या हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।